दोस्तों एक नया व्लॉग शुरू हो चुका है पहाड़ के इन खूबसूरत रास से। और दोस्तों मैं इस खतरनाक जंगल में हूँ और आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ शादी में और उस वाले साइड हो रही शादी और मैं यहाँ अकेला ही हूँ। और दोस्तों ना मैं बूंगाल से आया, मैंने तुरंत वीडियो अपलोड की, काफ़ी टाइम लग गया ना और टाइम हो गया, यहाँ 7 बज गए। तो 7 बजे जा रहा हूँ मैं वहाँ, 8 बज गए, सॉरी 8 बजे जा रहा हूँ मैं उस वाली साइड। और मैंने कहा व्लॉग बना लेते हैं ना, और इतनी खतरनाक रात हो चुकी है, रास्ता कुछ नहीं दिख रहा, तो चलते हैं दोस्तों। और वहाँ ऐसा सीन हो गया था ना, आज वहाँ पकौड़े थे मतलब हल्दी हाथ, तो हल्दी हाथ नहीं दिखा पाए मैं आपको। उसका कारण बताऊँ क्या है कि आज बुंखाल भी था ना, तो इस कारण मैं बुंखाल चला गया था तो वहाँ नहीं दिखाया मैंने आपको। तो आज रात का सीन दिखाऊँगा आपको दोस्तों। ब्लॉगर को कुछ कष्ट भी करना पड़ता है ना, ऐसा भी सीन है कि वीडियो भी बनानी पड़ती है, अपना इंजॉय भी हो जाएगा। अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया यार, मतलब बुंखाल से तुरंत वीडियो एडिट करने पर लग गया। और मैंने कहा ना पहले वीडियो एडिट कर लेते हैं उसके बाद चलेंगे ना शादी में, पहले ब्लॉग जरूरी है ना। तो अभी इधर रात को 2:30 बजते हैं ना, तो रात को लड़के लोग, चाची लोग या आंटी लोग सब नाचते हैं, तो वहीं चलते हैं, वहीं दिखाते हैं आपको। अब हम पहुंच चुके हैं जिस वाले घर पे हो रही थी शादी, और यहाँ सुन हो गया और वहाँ बन रही रोटी, वहीं चलते हैं उसके बाद नाचेंगे। नाचने कूदने का काम काफी देर बाद होगा, पहले रोटी बनाते हैं। हमारे साथ हैं आपने चाचा जी, चाचा जी कैसे लग रहे थे? बढ़िया है, सब बढ़िया, निपटा लिया ना खाना पीना? हो गया बस लास्ट में ये शादी। और यहाँ भी बन रही रोटी, ये हमारे गाँव के पेपर ही भाई मेरे साथ। अरे भाई कैसे लग रहा शादी में? मतलब भूखा सा है, तुरंत यहाँ आ गए, अच्छा लग रहा है ना? खाना पीना नहीं खाया? खा लिया मैंने भाई, खा लिया सही में घर पे का भाई ने खा लिया, अब मैंने नहीं खाया क्योंकि अभी बन रहा है, अभी खाना बनाएंगे उसके बाद खाएंगे ना। मिंटू भाई, तो मिंटू भाई खाना कैसा बना है सही बताओ यार। मिंटू भाई खाना खाने में क्या क्या है? दाल सब्जी एंड रोटी, तो कैसा बना है मिंटू भाई? मिक्स वेज कैसा लग रहा है? मतलब अच्छा लग रहा है, ठीक ही है सही है। और यहाँ पे है ढोल दमो, थोड़ी देर में नाचेंगे।